हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका ड्यू का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस की। आप लोगों को पता होना चाहिए हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस होता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि जो भी किसी भी कोर्स का आपका ड्यू का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका सिलेबस क्या होता है, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना पाएँ, अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई वीडियो आपसे रिलेटेड आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो फटाफट से चलते हैं ड्यू की वेबसाइट पर, जहाँ पर हमें पता चलेगा आपके सारे ही कोर्सेज के लिए एंट्रेंस का सिलेबस। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट हैं वो किस डेट को होने वाले हैं। आपके जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो हमें सिलेबस जानने के लिए करना क्या है, डी यू की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जाना है एडमिशन वाले सेशन में। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो नीचे आपको नोटिफिकेशंस दी होती हैं, और ये क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पे किया हुआ है तो यहाँ पे ये साइड में आ रही है। ओके, इसमें जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इधर देखो यहाँ पर दिया हुआ है लिंक फॉर द सिलेबस फॉर द पीजी या एमफिल पीएचडी या एमफिल या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। और यहाँ पे सिलेबस फॉर यूजी एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है, तो पहले हम यूजी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम पीजी एमफिल या पीएचडी का देखेंगे। ओके, तो यूजी वाले पर जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपके एग्ज़ाम है यूजी का या पीजी का आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी एंट्रेंस टेस्ट ये लोग यूजी एग्ज़ाम के लिए लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए, वहाँ पे ये सारे दिया हुआ है। आपका ये बीए ऑनर्स का एंट्रेंस टेस्ट का दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस सेक्शंस में से। ये बीटेक का दिया हुआ है, ये बीए ऑनर्स का हो गया, ये बीएलएड का हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स का हो गया यहाँ पे, ये मल्टी मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और ये फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये सात कोर्सेज हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट लेती है डीयू। अब हम बात करते हैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट की, तो इसी के ऊपर जो लिंक है ये वाला पीजी एंट्रेंस टेस्ट वाला, तो इसमें यहाँ पे देखो आपको सिलेबस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे यूजी वाले में क्या था, हमें सामने सामने सिलेबस प्रिस्क्राइब करा हुआ है। ओके, कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको लिंक दिए हुए हैं। जैसे कि एमए अरेबिक का अगर आपको सिलेबस जानना है तो यहाँ पर ये जो लिंक होता है ना इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें सपोज़ हमें एम कॉम का सिलेबस जानना है तो ये रहा कॉमर्स का सेक्शन यहाँ पे एम कॉम का, या फिर आपको एम फिल या पी एच डी इन कॉमर्स का सिलेबस जानना है एंट्रेंस टेस्ट का, तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करो यहाँ पर। तो फिर जिस भी कोर्स के लिंक पर आपने क्लिक किया है ना उसका पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा प्रोसेस फिर से समझाया हुआ है इन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सब कुछ दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखो ये जो फिफ्थ पॉइंट दिया उन्हें एंट्रेंस टेस्ट, हो सकता है किसी और कोर्स में किसी और पॉइंट में दिया हो, लेकिन आपको सिलेबस सारे ही कोर्सेज का मिल जाएगा यहाँ पर। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करोगे ना जिस भी कोर्स के सामने तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ देखो ड्यूरेशन एंड स्कोप वगैरह दिया हुआ है, फिर यूनिट वन हो गई आपकी यहाँ पर, ये जो भी आपका सिलेबस है इधर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। ओके, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई थिंक बहुत हेल्पफुल रही होगी बच्चों के लिए जिन लोगों को नहीं पता था कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस एग्जैक्टली होता क्या है हमारे, चाहे फिर वो यूजी के हों या फिर वो पीजी के हों, क्योंकि सिलेबस के बिना हम उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। जब तक हमको यही नहीं पता होगा एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, तब तक हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, और मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। तो आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।